हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर में शनिवार को मानसून की दूसरी और संतोषजनक बारिश हुई है। लगभग एक घंटे तक चली इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। बाड़मेर शहर के हाल इस बारिश से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश ने जहां सड़कों को पानी से लबालब कर दिया, वहीं दूसरी ओर नाला निर्माण कार्य के कारण 4 फुट का एक नाला पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके कारण सड़क और नाला एक साथ दिखने लगा। ऐसे में आम जनता को कई मुश्किलें झेलते भी देखा गया। हालांकि ये नाला बरसात के आने से पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार और नगर परिषद की लापरवाही के चलते काम अभी तक अधूरा ही है। ऐसे में आमजन की जान पर बारिश के इन दिनों में खतरा मंडराता जा रहा है। ये लापरवाही कभी भी किसी की जान भी ले सकती है। रेलवे स्टेशन के सामने इस नाले को ऊपर से कवर नहीं किया गया है। ऐसे में बारिश का पानी भर जाने से यह नाला राह चलने वालों और वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता और यह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। सीवरेज की होदियों को भी एक दिन पहले ही खोला गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अनजाने में इस नाले और सीवरेज के खुले मैनहोल में गिरकर चोटिल हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बारिश ने इस नाले निर्माण के काम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नाले में पानी आने के कारण रेलवे स्टेशन के सामने जय हिंद होटल के आगे इस नाले की दीवार ढह भी गई है। एक बारिश का पानी नहीं संभल पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश के कारण इस नाले की दशा क्या होगी, इसे समझा जा सकता है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।